उसमें रामायण में जो मामा मारीच थे उनको भी पीछे कर दिया है, वो तो सैन्य का हिरण बन जाते थे। ये जनेऊ पहन के जिस तरह से लगातार भेष बदल रहे हैं, इन्होंने मामा मारीच को भी पीछे छोड़ दिया। इसमें भारतीय अमरनाथ यात्रा करिए, लेकिन और दलों के लोग तो राम का नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। हमारी नैतिक विजय तो उस दिन हो गई जब एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया था कि राम सीता का कोई अस्तित्व नहीं है, वह सुप्रीम और देने वाले लोग आज राम नामी ओढ़ के जनेऊ पहन के नगरी नगरी द्वारे द्वारे मंदिर मंदिर जनेऊ पहन के घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक विजय है। एक के पिता ने सरयू के जल को राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया था, उसका लाल अखिलेश भी आज राम नामी ओर के विष्णु मंदिर बना रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक विजय है। हमने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया था कि पूरे विश्व में जो हमारे हिंदू जनमानस है वो चाहते हैं कि राम मंदिर बने, तो जल्दी जल्दी अगर तारीख पड़े फैसला आ जाए। ये दुर्भाग्य इस देश का कि रामनवमी की छुट्टी तो होती है इस देश में और अदालतें भी बंद रहती है और राम कहाँ पैदा हुए उसके लिए विवाद हो रहा है।